पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में नकली दुग्ध पदार्थ निर्माताओं का रैकेट चल रहा है। मुरैना दौरे के दौरान इसकी जानकारी मिली थी। अधिकारियों को चिन्हित स्पॉट पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी कई जगहों पर और भी बड़ी कार्रवाई होंगी। दूध के साथ नकली अंडे बनाने की भी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से। विभाग की तरफ से अभी जो मुरैना में जो रेड हुआ है वो एक्चुअल में अंडरस्टूड तो ये है कि वो हमने ही रेड करवाया था। मैं अभी मुरैना का प्रभारी भी हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मुझे विश्व सूत्रों से ये जानकारी मिली थी, तो मैंने संबंधितों को ये बताया था और मैंने वो पॉइंट भी दिए थे कि यहाँ यहाँ की मुझे जानकारी मिली है। तो ये बड़े पैमाने पर एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है और मुझे लगता है ये मुरैना ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में इस तरह का मिलावटी दूध का, जिसकी वजह से अब मानव जीवन में काफ़ी विसंगतियां हो रही हैं, तमाम सारी बीमारियां फैल रही हैं। फेसबुक पर देखते हैं जो पात गोभी है, पात गोभी को आप उसमें बनाते हुए दिखाया जा रहा है कि वो भी नकली पात गोभी बनाया जा रहा है, अंडा नकली बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर किसी भी सरकार किसी की भी हो, हर व्यक्ति को इसमें संवेदनशील रहना चाहिए और ये बहुत गंभीर का मुद्दा है। इससे हमारे आम जनता पे एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग इसमें काफ़ी सफल होंगे।